औरत की तमाम भलाइयाँ दे, बुराइयों से बचा और हर आफत मुसीबत से अपने ज़मान में रखे। तो यहाँ पर जो है हम लौकी गोश्त बना रहे हैं। गोश्त जो है ये मटन का है, ये वैसे तो फ्रिज से निकाला हुआ था लेकिन फिर भी ना बहुत वो हुआ हुआ था, जमा हुआ था। तो मैंने क्या किया इसको ऐसे ही, क्योंकि मैंने वॉश करके, आपको पता है मैं जो ना रखती हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था उसमें लहसुन प्याज और नमक डाल के उस पानी डाल के उसको चढ़ा दिया था। और यहाँ पे जो थी ये नवैरा मैडम, ये कहीं थी मुझे पैनकेक बनाने, तो ये मेरी मैडम जो हैं ये पैनकेक यहाँ पे बना रही थी। मिक्सर मैंने इनको करके थोड़ा थोड़ा करके दिए जा रही थी और ये बनाई जा रही थी। अच्छा, जब यहाँ पर गोश्त में देखें पानी जब खुश्क हो गया था, लहसुन प्याज भी साथ ही मिक्स हो गए थे, तो उसके बाद जो है हमने इसके अंदर क्या किया, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है इसके अंदर। और जो है इसके अंदर जो है अब हम जो है टमाटर लेंगे, दो टमाटर बड़े बड़े साइज़ के हों तो अच्छी बात है, उसको भी ना हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके जो है ना इसके अंदर इसका प्यूरी डाल देंगे। अच्छा, अब इसको हम ज़रा इसको भून लेंगे। और जो है भूनने के बाद, अच्छा नमक वगैरह जो है अब आप देख के डालिए, क्योंकि जो हमने पहले जब हमने चढ़ाया था इसको तो उसमें लहसुन प्याज और नमक हमने तीनों चीज़ें ही डाल दी थी, तो इसलिए अब जो है ना नमक डालते हुए हाथ ज़रा रोक के डालिएगा, देख के डालिएगा, तो जो है कि नमक ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, डेढ़ चम्मच हमने मिर्च डाली है, पिसी हुई मिर्च डाली है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, एक चम्मच पिसा हुआ हमने धनिया डाला है, और जो है दिल करे तो चिकन पाउडर भी डालना है। मैं ना चिकन पाउडर डालना भूल गई, तो जो है यहाँ पर जो है बस ये चीज़ें डाल के अब इसको अच्छी तरह भून लें, क्योंकि गोश्त जो है वो हमने पहले चढ़ा दिया था। तो वैसे आप लोगों को पता है मटन का गोश्त हो चिकन का गोश्त हो ये तो फ़ौरन से ही हो जाते हैं, दो बॉयल में ही हो जाता है। तो जो है यहाँ पर गोश्त जो है ना गला हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो जो है अब इसको जो है हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये देखें तेल इसका ऊपर आ गया है, ये जब अच्छी तरह भून जाए तो फिर जो है इसके अंदर अब हम जो है लौकी वगैरह डाल देंगे। और जो है लौकी डाल के इसको फिर अच्छी तरह भून लें, दिल करे इसके अंदर और भी कोई सब्ज़ी आप डालना चाहें और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, आलू डालना चाहें इस वक्त आप आलू इसके अंदर डाल लें, ये लौकी के बजाय आप आलू डाल लें इसके अंदर बेशक। और जो है ये डाल के फिर जो है इसको आप जो है ना पानी डालें, और पानी डाल के पानी देख लीजिएगा दो ग्लास डाल लीजिएगा, क्योंकि जो है ये जो लौकी है वो ज़रा सा भूनने में वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि 5-7 मिनट लगाएगी तो जो है खुश्क ना हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने अब इसके अंदर पानी डाल दिया है, और पानी डाल के अब हम इसको ज़रा एक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा इसके अंदर तो फिर अब हम ना हल्की आँच करके इसको ढक के जो है 5-7 मिनट्स के लिए रख देंगे इसको, कि बस लौकी गल जाए। लौकी भी ना पता है दो बॉयल्स में बॉयल में ही गल जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इसको भी गलने में। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये देखें लौकी भी गल गई है, अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम, और बस ये तैयार है, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। अच्छा, फिर साथ ही जो है यहाँ पर मैंने आटा भी गूंदने के लिए डाल दिया था मशीन में, कि जो है अगर बच्चों ने रोटी खानी हो तो उनके लिए चलो आटा भी होगा, या फारूक ने भी खानी हो, यहाँ पर इर्तज़ा को भी पैनकेक्स बना दिए थे, ये लोग ट्यूशन से आए थे इस टाइम तो जो है वो खा लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर खाना वाना तैयार हो गया था, मैंने फिर पूरा किचन जो था वो अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया था, शेल्फें वल्फें और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करनी थी। अच्छा, मैंने थोड़े चावल भी थे तो मैंने क्या किया कि लौकी सालन जो था कि गोश्त के साथ मैंने जो है वो चावलों के साथ ही खा लिया था। बोटी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ना मटन मटन इतने शौक से नहीं खाती, मटन और बीफ वगैरह ना, तो जो है। और यहाँ पर फिर फारूक आ गए थे तो फिर उनको खाना वाना दिया, फिर हम लोगों ने फल वगैरह खाया। ये देखें आप ज़रा ये क्या नाम है, मैंगो का साइज़ देखें, फारूक जो लाए हैं ये 1 किलो का 1 मैंगो था, इतना मतलब इसका हैवी सही साइज़ था इसका, माशाल्लाह। अच्छा, जो है फिर बच्चों की जो थे ना इनकी शीट चढ़नी रह गई थी, तो फिर ये जो है ना हमने रात में हम मियाँ बीवी ने ये काम किया कि बच्चों की सारी कॉपीज़ पर जो है ना हमने शीट चढ़ाई, और जो है ये हानि जाग रही है, बाकी ये तो जानो वगैरह सो गए थे क्योंकि स्कूल वाले बच्चे हैं, तो इन लोगों की कॉपीज़ पे शीट चढ़ाते हुए हम लोगों को 2:30 बज गए थे, 2:30 काफ़ी हम लोगों को टाइम हो गया था, जो हम 12 बजे से लगे थे, 12:30-12 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग यही काम करते रहे। अच्छा, तो फिर जो है इन लोगों की सारी कॉपीज़ पे बुक्स पे सब जगह हम लोगों ने ये चढ़ाया, और फिर हम रात को सो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने सुबह के टाइम पर कोई नहीं ली थी, वीडियो वगैरह नहीं बनाई आज, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये जो है ट्यूशन जा रहे थे, मतलब मदरसे जा रहे थे, ये तैयार वगैरह हुए थे, ये जब की है। चलें, इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला बातों बातों में। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ज़िंदगी रही, कल मुलाकात होगी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।